मलेशिया से बद्रीनाथ दर्शन करने पहुंचे एक एनआरआई डॉक्टर आज सुबह गांधी घाट पर अलकनंदा नदी में बह गया है, जिसके बाद इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दी गई। सूचना पाते ही एनडीआरएफ और पुलिस दल मौके पर पहुंची और लापता एनआरआई की तलाश शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक मलेशिया से डॉक्टर अपने बेटे के साथ बद्रीनाथ दर्शन करने आया था, जहां दोनों आज सुबह बद्रीनाथ के गांधी घाट के किनारे घूम रहे थे। फिर दोनों अलकनंदा नदी के दर्शन करने के लिए नदी के तट पर पहुंचे, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण दोनों पिता पुत्र का संतुलन बिगड़ गया और दोनों अलकनंदा नदी के तेज बहाव में बहने लगे। उनकी चीख पुकार सुन आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग रस्सी आदि लेकर दोनों को बचाने का प्रयास करने लगे। वहीं सूचना के बाद रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच गई और स्थानीय लोगों की मदद से एनआरआई के बेटे को 200 मीटर अलकनंदा में आगे तक बहने के बाद किसी तरह से बचा लिया और आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ऐसे में जहां एक ओर रेस्क्यू के बाद एनआरआई के बेटे को बचा लिया गया, तो वहीं दूसरी ओर अभी भी एनडीआरएफ और पुलिस बल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एनआरआई डॉक्टर की तलाश कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चमोली से पूरन भिलंगवाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।